वंदे भारत, भारत की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसके आगे यूरोप की मॉडल ट्रेनें भी फेल हैं, और भारत की वो ट्रेन जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और वहीं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन को किसने बनाया और कौन है वो अनसंग हीरो जिसने वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? और आखिर वंदे भारत ट्रेन का सफर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, 21वीं सदी में भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेन की कहानी क्या है? आज के इस एपिसोड में हम आपको वंदे भारत से जुड़े इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल स्केल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वंदे भारत के खूबसूरत सफर पर। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंजीनियर से जो एक मॉडल ट्रेन का सपना लिए अपने लक्ष्य की ओर चला था, और ये उस हीरो की कहानी है जो भारत को एक आधुनिक भारत की तरफ ले गया। एक्चुअली ये बात है 2016 की, जब पेशे से इंजीनियर रेलवे के एक बड़े अधिकारी की रिटायरमेंट में केवल 2 साल बचे थे। इससे पहले आपको बता दें कि जब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट का समय करीब आता है तो उनसे अंतिम पोस्टिंग की पसंद पूछ ली जाती है, जिससे कि कर्मचारी अपने अंतिम 2 साल में मकान वगैरह बनवा ले और रिटायर होके सेटल हो जाए और आराम से रह सके। लेकिन उस अधिकारी ने अपनी अंतिम 2 साल की पोस्टिंग मांग ली ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, जहां पर रेलवे के डिब्बे बनाने वाला कारखाना है। और जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने उनसे पूछा कि क्या इरादा है और आपने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को ही क्यों चुना, तो वो इंजीनियर बोला कि अपने देश की अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो समय था जब भारत को वर्ल्ड क्लास ट्रेन की जरूरत थी, जिससे कि रेल यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित और लग्जरी सफर करने को मिल सके। और इसी वजह से भारत जापान और यूरोपीय देशों की बेहतरीन ट्रेनों को देखने और उसे खरीदने की तैयारी कर रहा था। और इसी बीच भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले स्पेनिश लंगो कंपनी के रेल डिब्बों का ट्रायल चल रहा था, और ट्रायल सफल भी था। लेकिन वो कंपनी 10 डिब्बों के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और साथ ही टेक्नोलॉजी शेयर करने से भी मना कर रही थी। अब ऐसे में उस महान इंजीनियर ने यह फैसला किया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी टेक्निक से तेलगो से भी अच्छी ट्रेन बना लेगा, और वो भी आधे से भी कम खर्च में। जिसके बाद जब रेलवे ने उनसे पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तब उस इंजीनियर ने कहा कि मुझे सिर्फ 100 करोड़ रुपए चाहिए। जिसके बाद रेलवे ने उनको ICF में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिए। अब दोस्तों, उस अधिकारी ने आनंद फानंद में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे हम लोग वंदे भारत के नाम से जानते हैं। और इस तरह भारत को मिली अपनी पहली आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस। और दोस्तों, वो महान व्यक्ति और अनसंग हीरो सुधांशु मणि हैं, जो कि भारतीय रेलवे के मैनेजर भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी 2 साल की मेहनत और लगन से भारत को वंदे भारत जैसी आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा दिया। दोस्तों, 2 साल में तैयार हुए पहले रेक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाया गया। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें GPS आधारित सूचना सिस्टम, CCTV कैमरे, वैक्यूम बायो टॉयलेट और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही कमाल की बात तो ये है कि वंदे भारत ट्रेन में रिवॉल्विंग चेयर्स दी गई हैं, जो 180 डिग्री तक मुड़ सकती हैं। वैसे दोस्तों, आपको वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी और आप इसमें कब सफर करने जा रहे हो, कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।